हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं एनिमे इंडिया। तो चलिए ज्यादा बवक न करके अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते। और हाँ, आप एनिमे इंडिया का एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, सो जिन लोगों ने अभी तक उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाए जाकर ज्वाइन करें, क्योंकि उस चैनल पर कुछ एक्स्ट्रा अपडेट्स भी दिया जाता है जो इस चैनल में नहीं दिया जाता। तो चलिए मेन वीडियो की तरफ चलते हैं। सो एज यूजुअल आपको हर एनिमे का एक स्पेसिफिक असाइन नंबर दिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। सो वीडियो को केयरफुली देखिए जिससे कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फर्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट एनिमे है स्पाई एक्स फैमिली। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय एनीफ्लिक्स टीम डबर्स। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो एक अपकमिंग एनिमे है जिसका अभी तक एक भी एपिसोड रिलीज नहीं किया गया है। इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड को 9 अप्रैल रिलीज किया जा रहा है। और अगर हम हिंदी डब वर्जन के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट गिवन बाय एनीफ्लिक्स टीम डबर्स, एपिसोड 1 को 15 अप्रैल को रिलीज़ किया जा रहा है। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं एपिसोड 1 के लिए 15 अप्रैल तक। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है टीजिंग मास्टर तागी सन सीजन 2। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय शिवाली वाइंस। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो ऑलरेडी एपिसोड 4 तक हिंदी डब में अवेलेबल था और रिसेंटली एपिसोड 5 को रिलीज़ किया गया है इस 1 अप्रैल को। सो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 5 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाए जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 6 का रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट गिवन बाय शिवाली वाइंस, एपिसोड 6 के ऊपर काम चल रहा है लेकिन रिलीज डेट अभी के लिए कंफर्म नहीं है। लेकिन जब भी कोई रिलीज डेट कन्फर्म होगा तो मैं मेरे चैनल पर आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो तब तक के लिए चले चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है मॉन्स्टर। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय द रिवेंजर स्टूडियो। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो ऑलरेडी एपिसोड 9 तक हिंदी डब में अवेलेबल है। सो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 9 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाए जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 10 का रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट गिवन बाय द रिवेंजर स्टूडियो, एपिसोड 10 को 5 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं एपिसोड 10 के लिए 5 अप्रैल तक। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है डार्लिंग इन द फ्रैंक्स। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया गया है बाय 02 एनिमे डबर्स। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो इस एनिमे का टोटल 24 एपिसोड्स है और ये सारे एपिसोड्स आप लोगों को कम्प्लीटली हिंदी डब में मिल जाएगा। सो जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज़ को हिंदी डब में नहीं देखा है तो उन लोगों के लिए अभी एक बहुत अच्छा मौका है। आप लोग चाहे तो पूरा सीरीज़ हिंदी डब में आप देख सकते हैं, आप लोगों को कोई नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। सो जाइए देखिए और मज़े करें। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है मागी द लैब्रिन्थ ऑफ मैजिक सीजन 1। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय RX एनिमे डबर्स। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो ऑलरेडी एपिसोड 8 तक हिंदी डब में अवेलेबल है। सो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 8 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाए जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 9 का रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट गिवन बाय द RX एनिमे डबर्स, एपिसोड 9 को 6 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं एपिसोड 9 के लिए 6 अप्रैल तक। तो तब तक के लिए चले चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे मूवी है लव मी नॉट। इस एनिमे मूवी को हिंदी में डब किया गया है बाय एनिमे डबल सेट। तो जैसे कि आप लोगों को पता है इस मूवी को बहुत ज़्यादा डिले किया जा रहा था, सो फाइनली इस मूवी को इस 23 मार्च को रिलीज़ किया गया है। सो जिन लोगों ने अभी तक इस मूवी को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाए जाकर देखिए। और जो लोग देख चुके हैं आप लोग कमेंट्स में बताएं आप लोगों को मूवी कैसा लगा। तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे मूवी है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन ऑर्डिनल स्केल। इस एनिमे मूवी को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय 02 एनिमे डबर्स एंड एनिमे डबर्स सेट। तो अगर हम इस मूवी के बारे में बात करें तो प्रीवियसली जो रिलीज डेट दिया गया था बाय एनिमे डबर्स सेट, उस डेट को रिलीज़ नहीं किया गया है, थोड़ा डिले हुआ है। सो एज पर द न्यू अपडेट फ्रॉम 02 एनिमे डबर्स, इस मूवी को 8 अप्रैल को रिलीज़ किया जा रहा है। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं इस मूवी के लिए 8 अप्रैल तक। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ।
तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है माई ड्रेस अप डार्लिंग। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय एनीफ्लिक्स टीम डबर्स। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो ऑलरेडी एपिसोड 5 तक हिंदी डब में अवेलेबल है। सो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 5 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाए जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 6 का रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट गिवन बाय एनीफ्लिक्स टीम डबर्स एपिसोड 6 को इस वीक में रिलीज किया जाएगा। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक डेट के बारे में बात करें तो अभी के लिए कन्फर्म नहीं है, लेकिन जब भी कोई स्पेसिफिक डेट कन्फर्म होगा तो मैं मेरे चैनल पर आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे सीरीज है एमनेशिया। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय सेकाई प्रोडक्शन। तो अगर हम इस एनिमे का हिंदी डब वर्शन के बारे में बात करें तो अभी के लिए एक भी एपिसोड हिंदी डब में अवेलेबल नहीं है। एज पर द अपडेट गिवन बाय सेकाई प्रोडक्शन एपिसोड 1 को 8 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं एपिसोड 1 के लिए 8 अप्रैल तक। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है वायलेट एवरगार्डन। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय एनिमे डबल सेट। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो ऑलरेडी एपिसोड 3 तक हिंदी डब में अवेलेबल है। सो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 3 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाए जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 4 का रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट गिवन बाय एनिमे डबल सेट एपिसोड 4 को 4th अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं एपिसोड 4 के लिए 4th अप्रैल तक। तो तब तक के लिए चले चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे डायबोलिक लवर सीजन 2। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय एनीफ्लिक्स टीम डबर्स। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो ऑलरेडी एपिसोड 3 तक हिंदी डब में अवेलेबल है। सो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 3 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाए जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 4 का रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट गिवन बाय एनीफ्लिक्स टीम डबर्स एपिसोड 4 को 9th अप्रैल शाम 7 बजे रिलीज किया जाएगा। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं एपिसोड 4 के लिए 9th अप्रैल तक। तो तब तक के लिए चले चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा लास्ट एनिमे है टीजिंग मास्टर ताकागी सन सीजन 1। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय एनिमे डब स्पॉट। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो ऑलरेडी एपिसोड 5 तक हिंदी डब में अवेलेबल है। तो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 5 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाए जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 6 का रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट गिवन बाय एनिमे डब स्पॉट एपिसोड 6 को 9th अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं एपिसोड 6 के लिए 9th अप्रैल तक। तो चलिए आज की हिंदी डब एनिमे न्यूज़ को यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के बिना मत जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।